मेक्सिको में मौत का भूकंप, भूकंप में 200 से ज्यादा लोगों की गई जान, तबाही के बाद अब जिंदगी बचाने की जंग। भूकंप के बाद मेक्सिको पहुंचा एबीपी न्यूज, मेक्सिको से तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट, एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। उत्तरी अमेरिका के देश मेक्सिको में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। भूकंप से हुई तबाही में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भूकंप से हुई तबाही की आंखों देखी आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा और उर्वशी गौर मेक्सिको पहुंची हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आप देख रहे हैं मेक्सिको में भूकंप से हुई बर्बादी की ग्राउंड रिपोर्ट। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, हर तरफ बस मलबा ही मलबा है। एबीपी न्यूज के दो संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में भारतीय समय के मुताबिक कल रात को 12:45 बजे, यानी परसों आप कह सकते हैं, परसों 12:45 बजे जबरदस्त भूकंप आया था 7.1 तीव्रता का। अब तक इस भूकंप के बाद से 250 लोगों की जान जा चुकी है। इन तस्वीरों को जरा देखिए आप, घर खंडरों में तब्दील हो गए हैं, इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं और जो स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं वो भी बहुत ही खतरनाक हालत में। बड़ी संख्या में राहत बचाव कर्मी यहाँ मौजूद हैं। मलबे से कई लोगों को निकाला भी गया है। 250 लोगों की मौत की खबर आई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। हमारे दो संवाददाता मेक्सिको पहुंचे हैं, देश से 14,000 किलोमीटर दूर। एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मेक्सिको जाकर भूकंप के बाद तबाही का क्या मंजर उन्होंने देखा, देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। मलबे का ये ढेर कभी छोटे बच्चों का स्कूल हुआ करता था, लेकिन भूकंप के बाद यहाँ की बिल्डिंग ढेर हो गई। बिल्डिंग के ढहने से करीब 22 बच्चों की जान चली गई और अब भी कुछ बच्चे लापता हैं। यहाँ कुछ समय पहले तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, लेकिन आज यहाँ गम का सन्नाटा पसरा है। इस इलाके में कई राहत कर्मी कई दिनों से जुटे हैं, जिनमें आर्मी के जवान, आसपास रहने वाले आम निवासी और कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं। बीच बीच में राहत कर्मी लोगों को शांत रहने की हिदायत दे रहे हैं, जिससे मलबे के नीचे दबी कोई धीमी सी आवाज भी उन्हें सुनाई दे सके। फिलहाल सरकार ने सभी स्कूलों को अनिश्चित तौर पर बंद कर दिया है। तवज्जो है तो सिर्फ बचाव कार्य पर, साथ ही है तो उम्मीद और आशा कि मलबे के ढेर से अब भी कोई जीवित आदमी निकल आए। मेक्सिको सिटी से मधु भाटिया झा, एबीपी न्यूज। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपने मधु भाटिया झा की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। वहाँ पर जो राहत और बचाव कर्मी हैं लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने में लगे हैं। वहाँ खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है उन लोगों के लिए जो बेघर हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दरारें इन बिल्डिंग्स में, और जैसे तैसे ये शायद खड़ी हुई हैं, किसी भी वक्त ये खंडर नुमा बिल्डिंग गिर सकती है। अमेरिका से सटा देश है मेक्सिको और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 7.1 की तीव्रता के भूकंप ने कितने बड़े स्तर पर इमारतों को मेक्सिको में नुकसान पहुंचाया है उसकी तस्वीरें आपके सामने। इन इमारतों को आप देखिए, इन बिल्डिंग्स को देखिए और इनमें आ रही दरारों को देखिए। बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक ये दरारें जा रही हैं। भूकंप से कई घर भी तबाह हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उर्वशी गौर की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं आपको बता दूं, हम लोग मेक्सिको सिटी में हैं और मेक्सिको सिटी की एक बिल्डिंग में आए हुए हैं, जिसमें 6th फ्लोर पर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूं और काफ़ी इस घर में तबाही हुई है। और चलिए आपको आंखों देखा हाल दिखाते हैं कि इस घर में क्या हुआ जब भूकंप आया 7.1 का। और साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाती हूँ कि घर का क्या हाल हुआ और जो लोग थे उन्होंने अपनी आँखों से क्या मंजर देखा, बात करते हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ सीधे, ये घर है, आप घर की हालत देखिए किस तरह से भूकंप के कारण तहस नहस सारा कुछ। ये ड्रॉअर में आपको दिखा रही हूँ, जो ये भी भूकंप इतना तेज था, ये 6th फ्लोर है और इतना तेज था कि भूकंप के कारण जो घर हिला है उसके कारण ये ड्रॉअर खुली। आपको ये दिखा दूँ, ये टीवी बच गया लेकिन अपनी जगह से ये भी हिल चुका है। तो चलिए बात करते हैं, आपने क्या देखा करिश्मा, आप किस तरह का मंजर था, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बस जैसे मैं खाना बना रही थी
और बस मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए थे, काम कर रहे थे ऑफिस का, बस वो बोले कि किशु हिल रहा है कुछ, तो बस हम आए और यहाँ पे टेबल के नीचे बैठ गए। फिर जैसे हम सिर्फ गणपति बापा का नाम ले रहे थे, फिर जैसे रुक गया, फिर हम नीचे चले गए। फिर हम पूरा दिन बाहर ही थे, क्योंकि हम पूरा दिन बाहर थे क्योंकि हमें ऊपर आने का मतलब सिक्योरिटी वाले ऊपर आ नहीं दे रहे जी थे। तो एक चीज़ और, आपने हमें बताया था कि दरवाज़ा बंद था और वो ये दरवाज़ा पूरा बंद था, ये तीनों लॉक किए हुए थे। और फिर हम यहाँ पे जब बैठे हुए थे तो ये पूरा ओपन हो गया था। फिर बिल्कुल ये देखिए कि तीनों लॉक, यानी कि रात को जब ये लोग सोते हैं तो ये तीन लॉक लगाते हैं और ये तीनों लॉक अपने आप, इतना तेज भूकंप था कि अपने आप खुल गए। यानी इतना ज़्यादा भयावह, इतना ज़्यादा डरावना और इतना भयभीत कर देने वाला ये भूकंप था, 7.1 तीव्रता का, जिसने पूरी मेक्सिको सिटी को, पूरे घर को, पूरे दिल को, सबके दिलों को दहशत में डाल दिया है। और इस वक्त जितने भी लोग हैं मेक्सिको सिटी में, वो सिर्फ डर की चादर ओढ़े हुए इस आस में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा और हमें बचा ले जाएगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी और ग्राउंड रिपोर्ट आपने उर्वशी गौर एबीपी न्यूज संवाददाता की देखी, किस तरह से जब भूकंप आया लोगों के होश उड़ गए। एक घर के भीतर वो आपको लेकर गई थी और घर के बाहर का जरा मंजर देखिए, हर तरफ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। साथ में राहत और बचाव कर्मी वहां पर मौजूद हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। राहत शिविर देखिए किस तरह से अब लगाए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके घर बर्बाद हो गए, वो लोग जिन्हें इस भूकंप में चोटें आई, राहत शिविर किस तरह से लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े जगहों पर इस तरह से गद्दे बिछा करके राहत शिविर तैयार किए जा रहे हैं। 250 लोगों की जान गई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हुए हैं। आपको बता दें 32 साल बाद, ठीक 32 साल बाद एक बार फिर ज़बरदस्त भूकंप ने मेक्सिको को हिला दिया है। कपड़े देखिए कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर कपड़े भी रखे गए हैं, यानी ज़रूरत का हर वो बेसिक सामान जिसकी ज़रूरत ऐसे मौके पर मेक्सिको में रहने वाले लोगों को पड़ेगी। कई ऐसे लोग जिनके घर पूरी तरह बर्बाद हो गए, कई के घर इस तरह से डैमेज हुए हैं कि उनके भीतर जाना अब खतरे से खाली नहीं है। तो ये राहत शिविर आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज़ के दो संवाददाता मेक्सिको पहुँचे हैं ये तस्वीरें आप तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर रहने का इंतज़ाम हुआ है, गद्दे आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में वहाँ कपड़े रखे हुए हैं ज़रूरतमंदों के लिए। इसके साथ ही लंगर का भी खास इंतज़ाम किया गया है मेक्सिको में। देखिए मधु भाटिया झा की ये रिपोर्ट। मेक्सिको सिटी शहर में भूकंप के बाद इस तरह के इमरजेंसी कैंप शहर भर में सेटअप किए गए हैं। ये कैंप सरकार ने नहीं बल्कि आम नागरिकों ने मिलकर लगाए हैं। लोग घरों से खाने का सामान बनाकर जरूरतमंदों को दे रहे हैं, यहाँ तक की जरूरत की दवाइयाँ या फिर और दूसरा सामान ट्रकों में भर कर अलग अलग जगह ले जाया जा रहा है। जहाँ भी लोगों को जरूरत है सामान की, वो उन्हें मिल रही है। तो देखिए आपने देखा किस तरह से मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं आम नागरिकों के भी मेक्सिको में। जैसा कि हमने आपको बताया 32 साल पहले 1985 में भी इसी तरह का ज़बरदस्त भूकंप आया था, तब उसकी तीव्रता 8 थी, मरने वालों की संख्या 10,000 थी। मधु भाटिया झा की एक और रिपोर्ट देखिए। 1985 में जब मेक्सिको में भूकंप आया था तब उसके बाद शहर में कई बदलाव किए गए थे। भूकंप के समय क्या करना है, बिल्डिंग से किस तरह बाहर आना है और कौन सी सुरक्षित जगह पर जाना है, इसकी प्रैक्टिस शहरवासी हमेशा करते आए हैं। मंगलवार को भी ऐसी ही एक प्रैक्टिस ड्रिल चल रही थी और उसके 2 घंटे के बाद ही मेक्सिको ने एक बार फिर एक भयंकर भूकंप का सामना किया। भूकंप की वजह से कई बिल्डिंगों से गैस लीक की आशंका है। इस वजह से जांच पूरी होने तक पुलिस ने कई इलाकों को पूरी तरह बंद कर दिया है, इस डर से कि कहीं गैस लीक की वजह से विस्फोट ना हो जाए।
तो भूकंप से तबाह मेक्सिको की ये अलग अलग तस्वीरें हमारी दो संवाददाता मधु भाटिया झा और उर्वशी गौर आप तक लेकर आ रही हैं लगातार। आपको बता दें, हमने आपको इमारतें जो खंडर में तब्दील हो गई, हर तरफ जो मलबा गिरा था, लोगों के घरों में किस तरह से भूकंप से उथल पुथल मची, और ये तस्वीरें हमारे संवाददाता अपने कैमरे में कैद कर आपके लिए लाए हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। आप एक ऐसी इमारत देख रहे हैं बहुमंजिला, जिसमें दरारें देखिए आप, कितनी बड़ी दरारें, कितनी गहरी दरारें पड़ी हुई हैं। ये घर खड़े ज़रूर हैं, ये इमारतें खड़ी जरूर हैं, लेकिन इन्हें इतना नुकसान पहुंचा है 7.1 तीव्रता के भूकंप से कि ये खंडर जो आप देख रहे हैं ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं। कुछ ऐसे ही लोगों से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा ने। मेक्सिको सिटी ने सोचा भी नहीं था कि 32 साल के बाद एक बार फिर भूकंप का वही कहर इस शहर को देखना पड़ेगा। 1985 के बाद 2017 में मंगलवार को एक बार फिर मेक्सिको सिटी भूकंप के झटकों से दहल गया। लोग आनन-फानन में घर से और बिल्डिंगों से बाहर आए। उस समय कुछ ऐसा ही नज़ारा देखा मेक्सिको सिटी के निवासी सुखविंदर सिंह ने। सुखविंदर जी, जब आप अपनी बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और भूकंप आया, तब क्या हुआ? भूकंप आया, हम तो वैसे ऊबर कैब की वेट कर रहे थे, तो अचानक ही इतनी तेज शेक मूवमेंट शेक हुई जैसे फुटबॉल होती है, जंप करती है बिल्डिंग, फ्लोर इतनी जोर की जंप किए, सोचा था कि भाई इस बार बिल्डिंग गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगा सब। मतलब हम तो अंदर थे, जैसे मतलब बिल्डिंग के अंदर थे, तो वैसे होता क्या, जो भूकंप आने से 30 सेकंड पहले अलार्म बजता है, तो 30 सेकंड के अंदर सबको बाहर आना होता, बट जैसे ये शहर के बाहर आया था, बहुत क्लोज आया था, तो हमको मालूम नहीं चला अलार्म, वो अचानक बिल्डिंग हिलने लग गई। जब बिल्डिंग हिलने के साथ ही अलार्म सुनाई दिया, तब हम घबरा के बाहर आए। जब बाहर आए तो बहुत लोग ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे, और जिस हिसाब से हिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप एक हिसाब से बोल सकते हैं कि ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं वो बोल नहीं सकता कि ऐसा महसूस हुआ कि ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोगों के लिए तो आप सुन सकते हैं, ऐसा एहसास था जैसे मौत के मुंह से बचकर बाहर निकले हों। घरों की इमारतें हमने आपको बाहर की तस्वीरें दिखाई, लेकिन घरों के भीतर 7.1 के झटके लोगों ने कैसे महसूस किए, हमारी एक और रिपोर्ट पर नजर डालिए। बिल्डिंग में मैं खड़ी हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं 7.1 का तीव्रता का यहाँ पर भूकंप आया, और बहुत बुरा यहाँ पर असर पड़ा है उस भूकंप का, सभी जगह तहस नहस है। लेकिन जो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, जो अर्थक्वेक प्रोन जो बिल्डिंग्स हैं, उसमें भी जो प्रभाव पड़ा है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना ज़्यादा प्रभाव इन चीज़ों का यहाँ पर पड़ा हुआ है। आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरा बिल्डिंग में क्रैक आया है। दूसरी चीज़, अब मैं आपको एक घर की हालत बताती हूँ जो कि सिर्फ सेकेंड फ्लोर पर है, और सेकंड फ्लोर पे होने की वजह से जो परेशानी इस घर में हुई है आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरह से, ये आप दरारें देख रहे हैं, ये सिर्फ जो 20 सेकंड का जो 7.1 तीव्रता का जो भूकंप था, उसने ये पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। आप देख सकते हैं ये दरारें बहुत ज़्यादा हैं, और आपको मैं और पूरा घर दिखाती हूँ। कि आपको एक चीज़ और साथ में बताना चाहूँगी कि 32 साल पहले 19 सितंबर को ऐसा ही भूकंप मेक्सिको सिटी में आया था, जिसने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें जिसमें गई थी, और 32वीं एनिवर्सरी पर, 32वीं सालगिरह पर ये भूकंप फिर से आया, और फिर से उसी दिन आया और उतनी ही तीव्रता का आया, और जिस भूकंप से सब कुछ तहस नहस हो गया, सभी लोग अभी इसी डर में, इसी दहशत में। ये बिल्डिंग भी अभी आपको बता दूँ, ये पूरी, इसमें बहुत ही कम लोग रह रहे हैं, पूरी खाली है, क्योंकि सब लोग इतने डरे हुए हैं कि यहाँ से कहीं दूर चले गए हैं, या किसी और रिश्तेदार के घर चले गए हैं, या ग्रुप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। बस उनको ये डर है कि भगवान हमें आज कैसे भी बचा ले। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।